इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मैंने गाड़ी रोकी है क्योंकि एक हादसा होते होते बच गया। समझाता हूँ, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने कहा था ना कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिससे आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, शांत हो जाता, वो ये है। इसको कान में घुसा लो, कोई आवाज़ नहीं आएगी। नहीं तो इसका एग्जॉस्ट का साउंड, फिर बाद में सारी गाड़ियों का आवाज़ इतना ज़्यादा हो जाता ना, सर दुखने लग जाता है। ये जो एरिया है इसका नाम निपानी है ना, गोवा वेस्ट तो बंद है, तोंडी घाट बोलते इसे। तोंडी घाट कोल्हापुर के बाद आता है निपानी, और कोल्हापुर से निपानी का जो रास्ता है ना एकदम सीधा सीधा। मैंने 100 की स्पीड लगाई क्रूज कंट्रोल पे और मैंने छोड़ दिया। गाड़ी चल रही है और हाथ रिलैक्स है। थोड़े टाइम बाद ना एक ऐसा झपकी लगा मेरे को, 3 सेकंड की नींद होगी, 3 सेकंड की नींद, और गाड़ी थोड़ी ऐसी हुई और अचानक से ऐसा मेरा आँख खुला और देखा मैंने कि गाड़ी इधर जा रही है। फिर मैंने उसको कंट्रोल किया, ऐसी फटी थी ना उस टाइम पे, क्या बता। और उसके थोड़े टाइम बाद मेरी मम्मी का कॉल आया। मम्मी पूछ रहे थे बेटा खाना खाएगा, मैंने बोला मम्मी मैं तो सुबह ही निकल गया, पता नहीं ना क्योंकि 4 तारीख का बोला था निकलूंगा, निकला नहीं। फिर 5 तारीख भी उनको लगा के नहीं निकलूंगा। दादा यहाँ से जो घाट लगता है कौन सा घाट है वो? अम्बोली घाट, या भूल गया मैं, अम्बोली घाट। गोवा वेस्ट बहुत फेमस होटल है यहाँ का, लोगों को दिखाता हूँ। ये है होटल, उधर उधर दिख रहा होगा होटल गोवा वेस्ट, ये वाला, ये बंद है। मैं सोचा था कि यहाँ पे रुकूंगा, एक रेडबुल लूंगा, इनके पास रेडबुल नहीं है। ये जो गोवा वेस्ट होटल है यहाँ से राइट की तरफ एक अंदर रास्ता जाता है जहाँ अम्बोली घाट लगता है, तो अभी अम्बोली घाट वाला रास्ता लेके पहुंच जाऊंगा। मतलब अभी भी कम से कम 3-4 घंटे की जर्नी बची है। मुंह पे पानी मार के निकलूंगा यहाँ से। एक्चुअली गलती ये हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो मैंने मेडिसिन ले लिया अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद में, मुझे लेना नहीं चाहिए था वो। पता नहीं क्यों इस राइड में मेरे को डर सा लग रहा है, तो इसीलिए मैं सब तरीके से सेफ रहना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उस चीज़ पे तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। क्यों हॉर्न बजा रहे हो भाई? राइड की जब शुरुआत हुई थी तो कितना एक्साइटेड, कितना खुश, और एकदम डरा डरा सहवा सा, मतलब पूरा ऐसे पलट गया, पूरा इमोशन ही पलट गया। वेल कोई नहीं, मतलब काफ़ी टाइम बाद राइड कर रहा हूँ तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। दुआ में याद रखिएगा। मैंने सुना है कि ठंडा पानी सब कुछ खोल देता है, नींद तो खोल ही देगा। अवॉइड करो ठंडा पानी पीना, नहीं तो ये सब कुछ जाम कर देगा। सेट, लेट्स गो। लास्ट टाइम जब मैं गोवा आया था तो यहाँ पर एक पैच मिला था मेरे को, बहुत ही ज़्यादा गंदा पैच था वो, गाड़ी के अंजर पंजर हिल गए थे। अभी वो बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो सब हिल जाएगा। गोवा, आई एम कमिंग मैन। मेरे मन में ना अभी भी एक थॉट आया कि मुझे नींद क्यों आई, क्योंकि ये ज़्यादा ही कम्फर्टेबल है। क्रूज कंट्रोल है, आरामदायक सीट है। फिर मन में एक दूसरा थॉट आया कि नहीं यार एम एस की ये सच नहीं है। क्योंकि रात को भी ठीक से नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, एंड वो मेडिसिन वाला भी चीज़ हो सकती है। यहाँ तक रास्ता मुझे याद था, इसीलिए मैंने मोबाइल लगाया नहीं था नेविगेशन के लिए, अब मैंने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता है। थोड़ा क्या है, पूरा ही समझ में नहीं आता है। इस राइड पे ना कुछ तो मिसिंग है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मिसिंग है। मतलब पहले जैसी राइड होती थी ना वैसी राइड नहीं हो रही है, क्या मिस है समझ में नहीं आ रहा। ओए होए, पहली चीज़ ये हो सकती है कि हैबिट चली गई। आराम से बात भी करते रहो, देखते भी रहो, रास्ता भी देखते रहो, तो वही पहला ये है कि हैबिट नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन है वो है पैंडेमिक का, मे बी शायद वो एक चीज़ हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या वो चीज़ है, लेकिन कुछ एक चीज़ तो मिसिंग है, शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। अंदर से वो अंदर से फील हो रहा है। जब मैं घर से निकला तो ये सोच के निकला कि मैं 10-12 दिन बाहर राइड करूँगा,
पहला मुझे पता था कि मैं गोवा जाऊंगा, उसके बाद जो प्लान है वो ऐसे कच्चा पक्का प्लान है। ये पूरा 10-12 दिन राइड करने के बाद मैं अपने आप से एक सवाल पूछूंगा कि क्या अभी भी वो चीज़ मिसिंग है। चूंकि ये पहला राइड है तो शायद से ऐसा लग रहा है मुझे। देखते हैं यार, देखते हैं, देखो तो सही, देखो तो सही। फ्रीडम, बाइक इज फ्रीडम, 180 डिग्री का फ्रीडम और सामने इंस्टा 360 वाला फ्रीडम। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मैंने गाड़ी रोकी है क्योंकि बारिश हो रहा है और ये इंस्टा 360 खतरे में है, हमारा मोबाइल भी खतरे में है। वैसे तो ये वाटरप्रूफ होता है, वाटर रेसिस्टेंट होता है, लेकिन ये एक बार हम गए थे ना भंडारदरा तब इसका सीन हुआ था। तो इसको बंद करो पहले। बंद कैसे होता है? ओके, तू भी अंदर जा। वैसे बारिश को देख के लगता तो नहीं है कि जोरदार होने वाली है, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लूँ मैं। वैसे ही आजकल हमारे कैमरे वैमरे की लगी पड़ी है। तू तो जा भाई, तेरा कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुई तो रेनकोट रेन पैंट भी पहन लूँगा मैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि होगी, शायद हो भी सकती है। और क्या खुशबू आ रही है यार, बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती है और जो खुशबू आती है वही सेम खुशबू आ रही है। हैं, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, यहाँ धूप है, ये धोखा हो रहा हमारे साथ। वे 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 वे। वो क्या था? मंगूस। सावंतवाड़ी के लिए लेफ्ट लो, गोवा के लिए लेफ्ट, लेफ्ट ले लेंगे। अरे हाँ याद है, यहीं से तो लिए थे लेफ्ट। ये धान वान सुखा रहे, फुल ऑन गांव वाला फील, धान की खुशबू आ रही है। मैं किसी दिन आपको ले चलूंगा मेरे गांव में, श्री रामपुर, थोड़ा सा गांव जहां पर मैं पैदा हुआ हूं और जिस घर में मैं पैदा हुआ वो भी दिखाऊंगा। अपन हॉस्पिटल में पैदा नहीं होते क्या? फुल ऑन जंगली, अपन घर में पैदा हुए क्या? फुल ऑन जंगली नहीं बोल सकते, फुल ऑन नेचुरल। पहले के टाइम कैसा होता था कि यू नो ज्यादातर बच्चे जो गांव में होते थे उनकी घर में डिलीवरी होती थी, नानी आती थी डिलीवरी करवाने के लिए। तो गाँव के एक नानी थे जो मुझे जन्म देने के लिए आए थे, और जब मैं पैदा हुआ था 5 किलो का था, 5 किलो एकदम गोलू गोलू 5 किलो का। कहाँ आ गए, कहाँ आ गए ये, कहाँ आ गए? आई गेस यहाँ से राइट होगा। नो मास्क नो एंट्री, बारिश ने उल्लू बनाया अपने को। ओहो, अनिल कपूर बज रहे हैं। दिना दिंदा, चलो भाई। हाँ मिलते हैं। हाँ थैंक यू। MSKians हर जगह हर तरफ हर वक्त, शुक्रिया आप सभी लोगों का इतना मोहब्बत देने के लिए। क्या बात है, अभी हम पहुंच गए सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी के MSKians, हेलो MSK की तरफ से। आप लोग भी ऐसे देखते देखते हेलो कर दो, वहां से वेव्स कर दो मोबाइल पे, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो ऐसे हाथ हिला दो, हेलो सावंतवाड़ी के MSKians। सो फाइनली पहुंच गया गोवा, और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा कमरा, वैसे ये विला जो है काफी बड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। मैं जिसके साथ इस विला में रुका हूं उनका नाम है निशित, नोन एज होपिंग बग। स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, स्वागत कीजिए निशित का, मेरे दोस्त। इतना क्यों शर्मा रहे हो बताओ? कुछ नहीं यार, मतलब मस्त सीन है यहाँ पे गोवा। होपिंग बग क्यों रखा नाम? होपिंग बग बेसिकली एक बीटल करके एक इंसेक्ट है, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड था, वो मेरे को बहुत कूल लगता था बेसिकली। अच्छा, तो इट वाज लाइक बग एंड देन आई थॉट लाइक आई विल कीप हॉपिंग फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, सो हॉपिंग बग। और ये भाई इनके जो व्लॉग्स होते हैं इतने सिनेमैटिक, एक एक चीजों का इतना ध्यान रखते हैं बारीकी से। मैंने कहा कि यार मैं यहीं पर शूट कर लेता हूँ, बोलते नहीं यहाँ बैठ के करते हैं। ये देखो इसका सेटअप, ये देखो प्रॉपर लाइट माइक वाइक सब, फुल ऑन फिल्म मेकिंग वाला वाइब है। और इसके ड्रोन शॉट इतने अमेजिंग है, देखना है देखो।
दोस्तों आपको व्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे अच्छा लगाने के लिए आप जो चीज करना चाहते कर सकते हैं, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर लो यार, मंजिल का पता नहीं है। ना कोई साथी है ना कोई मंजिल है, फिर भी निकल पड़ा हूँ। चल दिए हाँ सलमान भाई का डायलॉग। अरे भाई ढूंढे तुझे दीवाना। कॉफी रेड थैंक यू मम्मी के पड़ा पड़े। आई विल सी यू सो नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम। Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect so I दादा मैं ना सिर्फ बाइक वहां से लेके आके यहां पर खड़ी कर दूंगा, ये चालू है, बस सिर्फ ध्यान दो आप लेके ना जाए। Thank you.